इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। इसी के साथ साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है, ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट ठीक है बंद कर देंगे या हम कुछ इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। गाइस इंडिया ने ऐलान कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि चाइना की चीजों पर, चाइना की इंपोर्ट करदा चीजों पर हम बैन लगा रहे हैं। सर अब आपकी ट्रांसफर हो गई, समझ तो आप गए होंगे। तो हालात बड़े अजीब गरीब किस्म के हैं। उस बेवकूफी का अब हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि आज दुनिया का नंबर वन भिखारी पाकिस्तान बन गया। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन 300 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी, जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है। तो इसमें इंडिया उसका पावर हाउस बनने जा रहा है। दोस्तों, एक जो 21st सेंचुरी में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी डेफिनेशन बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, तरीके से बदल रही है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं वो सारे के सारे इफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो लैपटॉप्स मंगवाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहत भी हैं, और वो ये है। ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी, और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनली जो ममालिक हैं उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस बदल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका के अंदर जिसे वो कहते हैं ना कि वो परेशान है कि भाई हम किन किन चीज़ों की वजह से डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर, और एट द सेम टाइम इंडिया क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या इंडिया के अंदर आ रहा है जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो ये जितनी भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा ख्याल है कि जो डेक्सकॉन एक टेक्नोलॉजीज है वो इंडिया के अंदर सुनने में आ रहा है उसका शेयर इससे बढ़ेगा। वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया है, वो उसको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनल जो जारी बात है, कम्युनिटी है, वो क्वेश्चन मार्क लगाएगी। सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन 300 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी, जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है। तो इसमें इंडिया उसका पावर हाउस बनने जा रहा है। इंडिया कह रहा है कि मैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का पावर हाउस बनूंगा, ये 300 अरब डॉलर की मार्केट है, और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया को भेजेंगे। और बाकी ममालिक ने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, इंडिया भी जारी बात है टैक्सेस लगाता है। इसीलिए जो है वो मोदी साहब ये कहते हैं कि हम इंडिया जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का रिलायबल पार्टनर बनना चाहते हैं। और जैसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं हम रिलायबल बेस बनेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। यूएस चाइना जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, और ये जो कन्फ्रंटेशन है दैट इज़ रीशेपिंग द ग्लोबल चिप सप्लाई चेन।
तो इंडिया जो है उस हवाले से वो समझ रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनिशियली इसे पैने के मार्केट में आती है, ठीक है, जो इंडिया की मूव है। अगर वो पैनिक आती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पैनिक का नुकसान होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो पोजेसिवनेस है वो भी इसमें शो होती है, ठीक है जी। और एक अभी रिसेंटली एक जो मोदी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक सेमिकॉन इंडिया, जो कि गांधीनगर में हुआ था, इंडिया गुजरात में, और ऐसी सारी चीज़ें मोदी जी जो हैं वो इंडिया गुजरात में करते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट के हब बनने जा रहे हैं, और जितनी भी चिप कंपनीज हैं वो सारी की सारी इस एरिया में दे आर इन्वेस्टिंग। सो ये जो पिछले साल वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को कह रहे थे आए इन्वेस्ट करें, आज दुनिया हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्ट करने जा रही है। अभी पिछली एक दो साल पहले जब आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि वो $10 अरब जो हैं वो इस सेमीकंडक्टर एंड लिक्विड क्रिस्टल जो ये जो सेक्टर्स है इसमें ये पैसा लगाएंगे। अब आप इमेजिन करें, इस पर हमने बात भी की थी वैसे, कि अगर $10 अरब इंडिया ऑलमोस्ट इस पर लगाता है तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट, ठीक है, बंद कर देंगे या हम कुछ इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। यही वजह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सिर्फ अभी राइस पर बैन हुआ था, तो मैंने कहा था कि कैसे कोई बड़ा कंट्री जो है वो अपने किसी स्टेप की बिना पर, कोई जो एक्शन लेता है उसके बिना पर कंट्रोल कर सकता है दुनिया को, जिसमें इंडिया हमें इस एक लिस्ट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।